नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत सरकार ने जो है कल एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और वेबसाइट भी इसकी लॉन्च हो गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये हमारा स्वदेशी एप्लीकेशन है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस एप्लीकेशन को बनाया गया है और ये करने क्या वाला है, ये वही काम करने वाला है जो काम अभी तक आपके लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस करते आते थे। आप इस एप्लीकेशन की मदद से, आप देख पा रहे होंगे लिख रहा है भारत ई मार्केट ऐप, इसको आपको टाइप करना है, यहाँ क्लिक करना है भारत ई मार्केट ऐप। ये जो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है लाला मार टेक्नोलॉजीज बिजनेस पर आप क्लिक करेंगे, 13 MB का ये एप्लीकेशन है दोस्तों। इसको आप अबाउट दिस ऐप में आएँ, यहाँ आप देखिए लिखा है वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डिलीवरी नीड्स। एक ही ज़रूरत है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अपडेट हुआ है, आप 10,000 से ज़्यादा इसको डाउनलोड हो गए हैं, ये 12-13 MB के करीब ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जो है आप जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वगैरह पर ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, उसी तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग इस पर भी कर सकते हैं। ये पूर्णतः स्वदेशी है, भारत सरकार के अंडर में है, भारत सरकार इसको चलाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ करना क्या होगा। अगर आप मोबाइल पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे, या आप अगर वेंडर हैं और आप अपनी शॉप को यहाँ ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आपके पास एक 4 नंबर का जो हो सकता है OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको यहाँ पर वह OTP डालना है। इसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप की डिटेल डालनी है आपको, शॉप का नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, बिजनेस का एनुअल रेवेन्यू आपको यहाँ बताना है। इसके बाद आप यहाँ बता सकते हैं कि किस तरीके की टारगेट ऑडियंस आपके पास आनी है, रिटेलर, मैनुफैक्चरर, होल सेलर, सुपर स्टॉक्स आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप जो है अपनी शॉप को लिस्टेड इस तरीके से करेंगे कि गूगल मैप पर भी आपकी शॉप को जो है देखा जा सके। तो आप उसको यहाँ पर लिखने के बाद लोकेशन को टैग करेंगे कि वो होम है, वर्क है, अदर है, क्या है। इसके बाद आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी शॉप है, उतनी चीज़ों को आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। लास्टली जो है दोस्तों, आप की जो शॉप होगी उसमें आप यहाँ सारे स्टैट्स देख पाएंगे, जैसे टोटल कितने ऑर्डर हैं, कितना सेल हुआ, कितने एक्टिव प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, कितने एक्टिव ऑफर्स हैं, तो वो सभी आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन है, इसका यूज़ किया जाना है अब जैसा हम अमेज़न फ्लिपकार्ट पे करते थे, उसी तरीके से ये पूर्णतः स्वदेशी ऐप आया है। इसका नाम जो है आपको बता ही दिया गया था, भारत ई मार्केट सेलर। मैं गूगल क्रोम पे चल के इसकी वेबसाइट और दिखा देता हूँ आपको, वेबसाइट से भी इसको जो है एक्सेस किया जा सकता है। हम यहाँ लिखेंगे भारत ई मार्केट, ये भारत ई मार्केट सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे www.bharatemarket.in, इस पर क्लिक करेंगे। इसको जो है दोस्तों मैं डेस्कटॉप मोड पर ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ये डेस्कटॉप मोड आ गया है, ये पेज लैंडिंग पेज है, रिफ्रेश होगा। ये लिखा है भारत ई मार्केट सेल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं। ये जो है हमारा पहला पेज है, नीचे दिखाया गया है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ कॉन्टैक्ट दे रखे हैं, सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी दे रखी है, आपको जितनी भी क्वेरीज हैं जो भी है, आप इनके सोशल नेटवर्क्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ऊपर देख रहे होंगे जैसे डेली ग्रॉसरी है, स्टेशनरी है, फ्रूट वेजिटेबल्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशंस, ये सभी तरीके का जो है आप यहाँ से कारोबार का लेन देन कर सकते हैं। ये देखिए डेली ग्रॉसरी पे जाएंगे आप, ये जो जितनी भी शॉप यहाँ लिस्टेड होंगी ये शॉप आपको दिखेंगी। तो दोस्तों पूरी तरीके से ये स्वदेशी है, स्वदेशी अपनाएंगे तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, भारत के एप्लीकेशन को बढ़ावा मिलेगा। काफ़ी अच्छा ये कदम उठाया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर से जो है इसमें भागीदारी है और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। थोड़े से लैक्स में हो सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, लेकिन ऐसा आशा किया गया है और ऐसा दावा भी किया गया है इनमें कि कुछ महीनों के बाद इसमें बहुत ज़्यादा जो है यूज़र्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये होने वाला है, और भारत में है तो होना भी चाहिए।
तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको वीडियो भारतीय मार्केट का, मैंने आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों बताए। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भारतीयों तक ये बात पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।